अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज सबके पास क्लियर है? एक दफा चैट पर बता दीजिएगा। यू विल वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड देन वील स्टार्ट। ठीक है, आवाज आ रही है सबके पास? गाइस, एम आई ऑडिबल? वालेकुम अस्सलाम, आई एम ऑडिबल राइट? आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है, परफेक्ट है। 2-3 मिनट रुकते हैं, देन वील स्टार्ट। ठीक है, 6:04 पे वील स्टार्ट। लेट्स जस्ट वेट फॉर 1 मोमेंट एंड देन वील स्टार्ट। ठीक है, ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, कल जो है हमने स्किल्स का एक थोड़ा सा टॉपिक कवर किया था, आज हम स्किल्स को ही आगे लेते हुए जाएंगे। सही है, लेट मी जस्ट ओपन दिस। ठीक है, अच्छा, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। गाइस, स्क्रीन आपके पास दिख रही होगी होपफुली। ठीक है जी, लेट मी ओपन द डॉक्यूमेंट फर्स्ट एंड देन वील टेक इट फ्रॉम द। ठीक है, सो लास्ट क्लास में व्हाट आई टॉट यू वाज कि ये चार स्किल्स, ये चार एरियाज होते हैं जिसके बेसिस पे हम स्किल्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज कॉम्पिटिशन, द सेकंड वन इज स्कोप फॉर न्यू कमर, थर्ड वन इज अर्निंग पोटेंशियल एंड द फोर्थ वन इज लॉन्ग टर्म स्कोप। कंपटीशन का क्या मतलब होता है कि एज ऑफ नाउ कितने लोग इस पर्टिकुलर सर्विस को सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑब्वियसली ज्यादा होगा 10,000 से तो ये बहुत हाई मार्केट, कंपेटिटिव मार्केट होगी। 10,000 से कम होगा तो इट वुड बी अ गुड मार्केट टू गो इनटू। ठीक है, अच्छा, फिर आपने देखना था कि भाई जितने भी जो जिस जितना कॉम्पिटिशन है वो कॉम्पिटिशन हमें कौन से लेवल ऑफ सेलर से आ रहे हैं। न्यू सेलर से आ रहे हैं, लेवल 1 से आ रहे हैं, लेवल 2 से आ रहे हैं, या टॉप रेटेड से आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा न्यू सेलर्स होंगे उस पे कम्पीट करना वुड बी अ गुड थिंग, क्योंकि अगर ऑब्वियसली वो मार्केट अगर कैपिटलाइज की हुई होगी लेवल 1 या लेवल 2 वालों ने या टॉप रेटेड वालों में, तो आपको हायर होने के आपके चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, अब जो तीसरी चीज है वो है अर्निंग पोटेंशियल। ठीक है, अर्निंग पोटेंशियल में क्या होता है कि लेट मी जस्ट ओपन अ कपल ऑफ दोस, मैंने कौन कौन से शॉर्टलिस्ट किए हैं, लेटरिंग स्लाइड शोज एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, ठीक है, सभी मैं सिर्फ 2 पे करके दिखाती हूँ एंड देन आई विल एलैबोरेट फर्दर मोर, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, 1 सेकंड देखना। आई टोल्ड यू कि यहाँ से आपको कॉम्पिटिशन पता चलता है, कहाँ से आपको न्यू कमर्स का पता चलता है। लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक ओवरव्यू। ठीक है, सो सर्विस ऑप्शंस, ये आपका हो गया सारा कॉम्पिटिशन। ठीक है, सेलर डिटेल्स पे जाते हैं, न्यू सेलर देखते हैं, तो 1900 इसमें से न्यू सेलर है, दिस मीन्स इट्स अ गुड प्लेस टू गो इन टू। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब आपको पता है कि भाई एक पर्टिकुलर फील्ड में कॉम्पिटिशन तो कम है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि न्यू सेलर्स के लिए स्कोप है।
बट क्या आपको इस पे पैसे अच्छे मिलेंगे? ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई पैसा ही नहीं बन रहा है, ठीक है? सो यू विल सी कि लोग कितना चार्ज कर रहे हैं और उनको कितना मिल रहा है, सही है? अच्छा, अब जैसे कि ये हैं, ये क्रिएट करी है स्लाइड शोज, प्रोमोशनल वीडियोस, वेडिंग स्लाइड शोज, और ये 4,000 रुपये कर रही है, ठीक है? सो इनको चेक करते हैं कि ये कितना कर रहे हैं, ठीक है? ये नॉर्मल स्लाइड शो वीडियो बना रहे हैं, ये भी स्लाइड शो बना रहे हैं, ठीक है? तो दो तीन आप गिग्स खोल के देखोगे, जैसे कि ये आपने खोल के देखा, सही है? सो इसका बेसिक पैकेज क्या है कि 80 फोटोज के साथ ये बैकग्राउंड म्यूजिक डालेगी और टाइटल नहीं डालेगी, ठीक है? सिर्फ ये दो चीजें करेगी तो 4,000 रुपीज चार्ज करेगी, एक दिन में डिलीवरी करके देगी, ठीक है? अगर 150 फोटोज हैं, वीडियो क्लिप्स को भी करना है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी डालना है, तो ये 9,000 चार्ज करेंगी, और अगर 300 फोटोज हैं, 10 वीडियो क्लिप्स हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाले हैं, तो ये 18,000 चार्ज करेंगी, सही है? सो यू नो कि एक एवरेज जो बंदा चार्ज कर रहा है वो 5 to 6,000 चार्ज हो रहा है, ठीक है? इनको देख लेते हैं, ये 10,000 का चल रहे हैं, अप टू 50 इमेजेस, 100 इमेजेस को 22,000 और 200 इमेजेस को 45,000, ठीक है? इसमें देख लेते हैं, ये 75 फोटोज के 23,000 चार्ज कर रहे हैं, ये 150 फोटोज इसके 46,000 चार्ज करें, सही है? सो अगर हम 10,000 की भी एवरेज लगा के दिखाते हैं, तो अगर आपको 80 फोटोज को और बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना हो, तो आई थिंक कोई भी स्लाइड शो वीडियो बनाने में यू वॉन्ट नीड अलॉट, ठीक है? इनकी हम देख लेते हैं, इस तरह की ये वीडियोस बना रही हैं, ठीक है? सो इट्स नॉट अ वेरी एडवांस्ड किस्म का काम, ठीक है? सो नॉर्मली नॉर्मलिश काम, कोई खास चीज नहीं करी हुई है, सही है? सो इस किस्म का काम करने में आपको प्रॉबेबली हाफ एन आवर लगेगा, घंटा लगा लें, ठीक है? सो अगर घंटा भी लगा रहे हैं, 1.5 घंटा भी लगा रहे हैं, सो 4,000, 10,000 से हम एवरेज लगाते हैं, बिकॉज पीपल आर चार्जिंग 45,000, 23,000 भी, सही है? सो लेट्स से अगर आप 10,000 पे भी अपने आप को सेल करते हैं स्किल को, तो 2 घंटे भी अगर लगा रहे हैं, तो 2 घंटे में 8,000 भी अगर लगाते हैं, तो 8,000 भी कोई बुरी अमाउंट नहीं है, सही है? सो यू कैन ऑब्वियसली से कि इसका जो अर्निंग पोटेंशियल है इट्स हाई, ठीक है? फिर इसी तरह आप ये ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस को देखो, ठीक है? अब ये लोग जो हैं प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ठीक है? ये भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये क्या बना रहे हैं, 10 से 15 स्लाइड्स बनाएंगे, टेक्स्ट होगा, वीडियो होगा, इमेजेस होगा, एनिमेशंस होगा, उसके ये ले रहे हैं 3,500, ठीक है? सिर्फ 10 स्लाइड्स बना के देंगे, ठीक है? अगर 20 स्लाइड्स हैं तो 4,000 लेंगे, और अगर 30 स्लाइड्स हैं तो 6,000 लेंगे, ठीक है? इनको देख लेते हैं, ये 10 स्लाइड्स के 6,000 ले रही हैं, इनको देखते हैं, ये 10 स्लाइड्स के, वाओ, ये तो बहुत ज्यादा ले रहे हैं, इनको तो छोड़ ही दें, ये कौन से लेवल, अच्छा ये टॉप रेटेड सेलर है तभी इतना ज्यादा हाई चार्ज कर रहे हैं, इनको तो छोड़ ही दें। हम न्यू सेलर सर्च करते हैं और न्यू सेलर को देखते हैं कि वो क्या चार्ज कर रहे हैं, ठीक है? सही है, सो स्कूल की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बना के दे रहे हैं, 17 स्लाइड्स का बना के दे रहे हैं 5,000 का, सही है? सो लेट्स से कि आप 10 स्लाइड्स आप भी 5,000 में बना के देते हो, सो 10 स्लाइड्स बनाने में आपको कितनी देर लगेगी, घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे, तो अगेन घंटे में आपको 5,000 रुपये मिल रहे हैं, विच इज अ हाई अर्निंग पोटेंशियल, सही है? सो लो अर्निंग पोटेंशियल यूजली होती है डेटा एंट्री के काम में, आई विल शो यू कहाँ होती है, ठीक है? सो लेट्स से डेटा एंट्री, डेटा एंट्री कहाँ था, लाइफस्टाइल में था, डेटा एंट्री वाज इन बिजनेस, ठीक है? सो अब हम डेटा एंट्री में भी देखते हैं कि क्या होता है, सही है? सो अगर डेटा एंट्री में आप इस तरह का वो काम कर रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं कि जेपेग बना के दे रहे हैं, टाइपिंग करके दे रहे हैं, ठीक है? और कॉपी पेस्टिंग का काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम कर रहे हैं, सही है? फॉर एग्जाम्पल ये काम कर रहे हैं आप, अब ये देखेंगे ये 2 घंटे काम करेंगी किसी भी किस्म का डेटा एंट्री का, और ये 2,000 रुपीज चार्ज करेंगे, सही है? इनको देखते हैं,
ये 1 डे का काम करेंगी, 1 घंटे के लिए 1,000 रुपए ले रही है। सही, आपको एवरेज समझ आ रही है? यहाँ पे 2,000 ले रहे हैं, यहाँ पे 1,000 ले रही है। 2,000 2 घंटे के ले रहे हैं तो 1 घंटे का 1,000 रुपया। सही है। सो प्रोबेबली अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे में आप 5,000 या 10,000 कमा रहे हो, यहाँ पे कमा रहे हो 1,000 या 2,000 रुपए। सही है। सो दैट्स ओकेश, ठीक है। सो मीडियोकर है, ठीक है। फिर इसी तरह आप कोई दूसरी वो देख लोगे। अच्छा, ये ऊपर को इग्नोर कर देगा, ये मैं अपने हिसाब से रैंडमली डाल लूँ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो जस्ट बेयर विद मी, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, लेट्स से ग्राफिक्स एंड डिजाइन में। लेट्स से कि हम किसी के लिए मेन्यू डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। हम चलते हैं सबसे पहले तो न्यू सेलर्स को ही देखते हैं कि वो क्या चार्ज करें, उससे हमें आइडिया हो जाएगा। एंड वी विल गो इन टू न्यू सेलर, ठीक है। एंड वी विल सी कि ये लोग क्या चार्ज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इनकी दो तीन को हम खोल लेते हैं और हम देख लेते हैं कि ये लोग क्या चार्जेस कर रहे हैं, ठीक है। दो को खोल के देख रही हूँ। अच्छा, अब ये क्या है, एक पेज का बनाएंगे रेस्टोरेंट का मेन्यू, डबल साइडेड होगा, मतलब आगे पीछे होगा, प्रिंट रेडी होगा, 4,000 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। ये है, एक पेज का बनाएंगे और ये लेंगे 3,500, ठीक है। सही है। सो 3,500 ले रहे हैं और 4,000 ले रहे हैं, तो तकरीबन 4,000 का एवरेज लग रहा है। 1 घंटे में एक मेन्यू आसानी से बन जाता है, तो इसका भी गुड हुआ, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, इसको लो कर देते हैं, 1,000 रुपये को लो कर देते हैं, ठीक है। सो इस तरह आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल निकालते हो। नाउ अर्निंग पोटेंशियल जो चीज है वो रिलेटिव है, ठीक है। वो मेरे लिए हाई हो सकती है, आपके लिए हाई ना हो, ठीक है, या मेरे लिए लो हो सकती है, आपके लिए लो ना हो, ठीक है। अब मैं उस लेवल पर हूँ कि अगर मुझे कोई घंटे का 1,000 रुपये 2,000 रुपये देगा तो वो मुझे लो लगेगा, ठीक है। बट सिंस यू आर न्यूबी, तो आपको घंटे के 1,000 रुपये भी हाई लग रहे होंगे, सही है। सो यू कैन ऑब्वियसली चेंज दिस एज पर योर ओन परसेप्शन, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपको पता है कि किसी काम में 5,000 10,000 मिल रहे हैं घंटे के 2 घंटे के, तो आपको ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगी, सही है। तो आप इस तरह अपने पास अर्निंग पोटेंशियल को लिस्ट डाउन कर दोगे, ठीक है। अब अर्निंग पोटेंशियल आ गई, अब आपने देखना है कि लोगों को कितना काम मिला है, ठीक है। अब हमें पता है 5,000 6,000 लोग तो कम्पीट कर रहे हैं, बट एक इंडिविजुअल को एवरेज कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ठीक है। उसको ऑर्डर्स मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, हम वापस मेन्यू पे ही जाएंगे, सही है। सो लेट्स से मेन्यू डिजाइनिंग को मैं देख रही हूँ, ठीक है। सो मेन्यू डिजाइन में ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये होता है ऑर्डर का नंबर, ठीक है। तो इनको अगर देखें, इन्होंने 63 ऑर्डर्स पूरे कर दिए और एक ऑर्डर अभी इनको पूरा करना है, इनके पास ऑर्डर आया हुआ है। इन्होंने 200 ऑर्डर्स पूरे कर लिए हैं और इनके पास अभी 2 ऑर्डर क्यूज में, ठीक है। और इनका आप देख सकते हो बहुत बेसिक सा डिजाइनिंग है, कोई खास ऐसी डिजाइन नहीं कि आप ना बना सको, कैनवा पे इजिली बन जाएगा, ठीक है। तो इस किस्म की चीजें आप भी बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो 199 किसी को मिला हुआ है, किसी को 18 मिले हुए हैं, किसी को 63 ऑर्डर्स मिले हुए हैं, किसी को 31 ऑर्डर्स मिले हुए हैं, किसी को 26, किसी को 17, किसी को 16, किसी को 10, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप यूँ हिसाब लगाओगे कि अगर एक गिग पे आप लेट्स से के 2,000 रुपये, लेट्स से 3,000 रुपये आप एक मेन्यू के लेते हो और आपको 10 ऑर्डर भी आ जाते हैं, 30,000 आपके इसी से बन जाएंगे। सो यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप, ठीक है। आप बहुत 10 को लेकर चलो, क्योंकि किसी के पास बहुत काम है, किसी के पास काम नहीं है, सो यू गेट एन आइडिया कि अच्छा लॉन्ग टर्म में काम मिल रहा है, ठीक है। दो दो ऑर्डर्स भी किसी के पास है, मगर आप देख सकते हो इसकी प्राइसेस भी बहुत हाई है, ठीक है। सो डिपेंड करता है, बट काम मिल रहा है, जिनको मिल रहा है उनको 14, 48, 1 सब मिल रहे हैं, ठीक है। सब किस्म के काम मिल रहे हैं, 800 भी देखें किसी को मिला है, सही है। सो इट डिपेंड्स, ठीक है, सारे न्यू सेलर्स हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ सर्विस यू आर सेलिंग, ठीक है। सो यू विल सी के लॉन्ग टर्म स्कोप कितना है, सही है। सो इट्स अ गुड स्कोप, ठीक है। अब इसी तरह आप कोई दूसरी फील्ड उठा के देख लो, डेटा एंट्री को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डेटा एंट्री में क्या काम है, 42, 470, 11, 472, 9, 1,000+, 39, 229, ये तो level 1 और level 2 के। वील गो टू न्यू सेलर्स फर्स्ट, ठीक है। तो आप देखोगे कि न्यू सेलर को कितना काम मिल रहा है, ठीक है। 42, 11, 9, 113, 5, 17, 42, 91, ठीक है। सो इस पे भी अगेन काम
मिल रहा है, सो दिस वुड बी अगेन अ गुड, ठीक है। फिर इसी तरह आप आ जाओ किसी और चीज पे, सही है। सो वी आर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, ठीक है। सो ये 20, 10, 7, 11, 59, 2, 11, 3, 8, 9, 2, 5। अच्छा, इसमें आप देख रहे हो ज्यादातर लोगों को 5, 6, 10 से ज्यादा नहीं मिले, तो आप समझ लो कि अगर आप अपने आप को भी देखते हो तो आपको 2 से 3 मिल जाएंगी शुरुआत में, ठीक है। सो इसको आप क्या लिख दोगे? मीडियम, ठीक है। इतना ज्यादा काम नहीं मिल रहा, नॉर्मल काम है, ठीक है। अच्छा, अगर फर्ज करो कि यहाँ पे सबके पास हाईएस्ट फिगर ही 17 या 18 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि लो है, ठीक है, आपके पास अर्निंग पोटेंशियल। डबल साइड मेन्यू बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस कैनवा पे आप 2 पेजेस बनाते हो और वो 2 पेजेस उसको दे देते हो, वो खुद प्रिंट करता है तो वो डबल साइडेड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब आपके पास फर्ज करें कि ये इस किस्म का, लेट्स से कि ये लो था, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करें कि आपके पास एक टेबल तैयार हो गया, ठीक है। अब इस टेबल पे आप देखोगे, एक फाइनल वर्डिक्ट डालोगे, ठीक है, कि क्या चीज इसमें अच्छी थी, क्या चीज आपको लगता है, कौन सी स्किल में जाया जा सकता है, कौन सी स्किल में, ठीक है, नहीं जाया जा सकता, सही है। सो यहाँ पे आपके सारा काम आ रहा है, 1 सेकंड, ओके, ये सारे एक्स्ट्रा डिलीट कर दूं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप बताओगे कि यू शुड गो और नॉट, ठीक है। सो यू वुड पास या फेल लिख दोगे, सही है। अब ये है, इस पे जो कंपटीशन है, इट्स गुड, स्कोप फॉर न्यू सेल इज गुड है, अर्निंग पोटेंशियल इज हाई, लॉन्ग टर्म स्कोप भी गुड है, सो दिस वुड बी अ पास फॉर यू, ठीक है। अब ये है, इस पे आपके पास ये सब चीजें वैसी हैं, तो दिस वुड बी पास, ठीक है। अब आप ये वाला देखते हो कि इसमें आपके पास कॉम्पिटिशन तो लो है, गुड है कॉम्पिटिशन, ठीक है। स्कोप फॉर न्यू सेल इज बैड, अर्निंग पोटेंशियल इज लो, और लॉन्ग टर्म स्कोप भी मीडियम है, तो ये इतना अच्छा नहीं है, सो यू वुड पुट दिस इन टू फेल, ठीक है। अब इस तरह इसमें भी देखोगे कि अर्निंग पोटेंशियल हाई है, बट न्यू सेलर्स के लिए कोई जगह नहीं है और ऑर्डर्स भी कम है, तो यू वुड फेल दिस, ठीक है। इस तरह आपके पास 10, 12, 15 स्किल्स होंगी, उन सबको आप इस तरह करके पास या फेल कर दोगे। एट द एंड ऑफ द डे यू वुड हैव 6 to 7 स्किल्स जिसमें आप जाके कम्पीट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि आपने 10 to 15 स्किल्स को शॉर्टलिस्ट करना है, पुट देम इन द ग्रिड लाइक अबव एंड गिव अ पास स्लैश फेल का वर्डिक्ट, सही है। सो दिस वुड बी योर असाइनमेंट नंबर, कौन सा असाइनमेंट होगा? 3 असाइनमेंट, वो 4, 5, 6, असाइनमेंट नंबर 6 होगा, सही है। सो दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 6, दैट यू नीड टू क्रिएट अ टेबल ऑफ 10 to 15 स्किल, ठीक है। यू नीड टू शॉर्टलिस्ट, ठीक है, पुट देम इन द ग्रिड लाइक अबव एंड गिव अ पास या फेल का वर्डिक्ट, ठीक है। इसमें कोई चीज गलत या कोई चीज सही नहीं होती है, ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। प्रोबेबली कोई बंदा होगा जिसको इसमें भी काम करने में मसला नहीं होगा, तो दे कैन पास, बट ऑब्वियसली अगर आपके पास ऐसी स्किल्स हैं जिसमें ज्यादा चीजें अच्छी हैं, तो उनको आप पहले पास कर दोगे, और जो इतनी समझ नहीं आ रही उनको थोड़ी देर रहने दोगे, फिर आखिर में देखोगे, ठीक है। अच्छा, मैं बता चुकी हूँ इकरा के किस तरह आते हैं, ठीक है, प्रो वेरीफाइड और लेवल पे, ठीक है, ऑर्डर्स कंप्लीट करने होते हैं, लास्ट लास्ट में मैंने समझाया है, ठीक है, ठीक है। क्रिएट टेबल ऑफ डिटरमिनेंट एंड पुट देम इन द ग्रेड लाइक अबव एंड गिव द पास फॉर गॉट, ठीक है। दिस असाइनमेंट इज ड्यू ऑन संडे एट 10 PM, ठीक है। सो ये आपने संडे तक करके मुझे देना है, ठीक है। अच्छा, ये काम आपने कर लेना है, ये काम करके फिर हम इंशाल्लाह आएंगे गेट पे, सही है। सो मैं एक जल्दी से एक क्विक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि कोई भी किस्म की कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो व्हाट यू डू इज कि व्हेन यू आर रिसर्चिंग, आप सिंपली क्या करते हो, एक्स्ट्रा टैब ओपन करते हो पहले, तो लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। सो जो टॉप 4 स्किल्स मैं करके दिखा देती हूँ, ठीक है, जल्दी से क्विक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आप लोग मुझसे बार बार एक ही क्वेश्चन ना पूछो, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन चैट। आई होप आप लोगों ने अपना अकाउंट वेरीफाई कर लिया हो, ठीक है। अच्छा, सो व्हाट वील डू इज ग्राफिक्स एंड डिजाइन में वील ओपन मेन्यू डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग में वी विल गो इनटू कम्युनिटी मैनेजमेंट, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में वी वुड गो इनटू, लेट्स से आप किसी के लिए रेज्यूमे लिख के दे रहे हो, ठीक है,
बिजनेस में यू आर डूइंग गॉड वर्चुअल असिस्टेंट कर रहे हो और लाइफस्टाइल में लेट्स से आप ऑनलाइन ट्यूशन कर रहे हो, सही है? अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको क्विक ओवरव्यू करके दिखाती हूँ किस तरह होता है, सही है? सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग इज कि मैं किसी के लिए रेज्यूमे लिख के दे रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे 17,000 लोग कंप्लीट कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन इज हाई, ठीक है? लैंग्वेज के हिसाब से भी अगर मैं फिल्टर डालती हूँ तो उतना ही हाई है, 17,000 लोग ही हैं। मैं इंडस्ट्री को जनरल कर सकती हूँ कि मैं बिजनेस रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करना चाहती हूँ, अप्लाई कर दूंगी फिल्टर को। 8,000 लोग हो गए जिनके लिए मैं काम कर सकती हूँ, ठीक है? देन सेलर डिटेल्स पे आल गो, एनएलसी के न्यू सेलर्स कितने हैं, 7,000 न्यू सेलर्स हैं, अगेन न्यू सेलर के लिए स्कोप इज गुड, ठीक है? अर्निंग पोटेंशियल अब देख लेते हैं कि क्या है। एक सीवी बनाने में एवरेज टाइम आपको, सीवी लिखने में एवरेज टाइम आपको समझिए 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते, सही? एंड एवरेज रेट आप देख सकते हो 6,000, 2,000, 5,000, 4,000, ठीक है? सो एवरेज रेट जो है वो आपका 3,000 का है, सो 3,000 2 घंटे के लिए इज एन ओके अर्निंग पोटेंशियल। एंड देन यू विल सी कितना काम मिला हुआ है, 15, 32, 24, 18, 19, 92, 27, 86, सो द स्कोप, लॉन्ग टर्म स्कोप इज गुड, ठीक है? वीडियो के लिए कैनवा नहीं होता, वीडियो के लिए दूसरी ऐप होती है। अच्छा, 5,500 है मेन्यू डिजाइन के, सही है? सो यू गो इनटू सेलर डिटेल्स, यू चूज न्यू सेलर, न्यू सेलर का क्या है, अच्छा है, इट्स अ हाई मार्केट फॉर न्यू सेलर्स, ठीक है? फिर देन यू लुक इनटू द अर्निंग पोटेंशियल, 2,000, 5,000, 2,000 तकरीबन, 4,000, 3,000, सो हम 3,000 की एवरेज लगाते हुए चलते हैं, और एक मेन्यू हाफ एन आवर में आराम से, घंटे में आराम से तैयार रहता है मैक्सिमम। सो आपने एक मेन्यू डिजाइन कर दिया फॉर 3,000, सो अर्निंग पोटेंशियल वुड अगेन बी वेरी गुड। ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, 18, 31, 26, 63, 16, 10, 199, 17, सो द स्कोप इज गुड, ठीक है? फिर इसी तरह कम्युनिटी मैनेजमेंट पे आप आ गए, 8,000 लोग कम्पीट कर रहे हैं, उसमें से न्यू सेलर्स कितने हैं, 7,000 न्यू सेलर्स हैं, मैं अप्लाई किया तो न्यू सेलर के लिए भी मार्केट है, ठीक है? एंड देन यू विल गो इनटू द अर्निंग पोटेंशियल, सही है? सो 9,000 रुपीज, 2,000 रुपीज, 3,500, 1,000, सही है? सो 4,000, 4,000, 13,000, 15,000, बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट एरे है। सो लेट्स से कि अगर 3,000 से भी लगा रहे हैं, और कम्युनिटी मैनेजमेंट का काम यूजुअली 1.5 से 2 घंटे का होता है, सो दैट अगेन पुट्स अ गुड अर्निंग पोटेंशियल, ठीक है? फिर आप देख लोगे काम कितना है, 19, 11, 12, 33, 20, 13, 21, 29, 27, 13, 12, 37, सो इट्स अ गुड स्कोप, इट्स नॉट अ वेरी हाई स्कोप बट इट्स अ गुड स्कोप। अब आप आ जाते हो वर्चुअल असिस्टेंट में, लेट्स से यू आर गोइंग इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन में लेट्स से आप जा रहे हो पर्सनल असिस्टेंट पे, सही है? सो यू विल सेलेक्ट वट एवर यू विल गो इनटू पर्सनल, ठीक है? ये आ गया आपका, ठीक है? सो पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट बन गए 1,000, 8,000, 1,200, 2,000, सही है? सो 1,000, 3,400, 2,300, ठीक है? डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर डूइंग, इनको खोल के भी देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह ये लोग चार्जेस कर रहे हैं, ठीक है? मैं एक सेकंड ये पर्सनल हटा रही हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे ये दिखाता हूँ, ये मुझे आपको दिखानी है, ठीक है? दिस इज समथिंग यू वुड बी इंटरेस्टेड इन। अच्छा, ये जो है 1 घंटे का 5,000 ले रहे हैं, सही? सो 1 घंटे के हिसाब से लोग चार्ज कर रहे हैं, ये जो जितने भी चार्जेस आपके सामने आ रहे हैं 1 घंटे के हिसाब से आ रहे हैं, राइट? सो 3,000 का भी अगर घंटा लगाएं, सो इट्स अ वेरी गुड अर्निंग पोटेंशियल। कितना काम मिला हुआ है, 110, 149, 345, सो द स्कोप इज वेरी हाई, ठीक है? अच्छा, ये आप देख रहे हैं डिजाइन एंड फॉर्मेट योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, सही है? सो दिस इज अ पर्सन, दिस इज समथिंग दैट यू टू कैन डू, ठीक है? इन्होंने 345 ऑर्डर्स ले लिए, इनके पास एक ऑर्डर क्यू में है, सो दिस टेल्स कि कितना ये काम कर चुके हैं, ठीक है?
एक पेज को फॉर्मेट करने के 2,332 ले रही है, सही है? सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन गो इन टू, ठीक है? तो हर वो इंसान जो मुझसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूछा था, दिस इज समथिंग दैट यू कैन लुक इन टू, ठीक है? ये वाली गिग खोल के आप लोग भी अपने एंड पे देख लेगा, ठीक है? सारी चीजें हैं वो, जब हम गिग बनाएंगे तो और आपको क्लीन और क्लियर लुक आ जाएगा, एक हम इस पे भी बना लेंगे, ठीक है? सो आई जस्ट दिस, ठीक है? अच्छा, अब है ऑनलाइन ट्यूटरिंग। ऑनलाइन ट्यूटरिंग में लेट्स से कि मैं बिजनेस का कोई सब्जेक्ट टीच करना चाहती हूँ, ठीक है? सो 1,700 लोग कम्पीट कर रहे हैं, सही है? क्या चार्ज कर रहे हैं, ये भी अगेन पर आवर के हिसाब से चार्जेस होते हैं, तो 7,000, 2,000, 1,100, सही है? सो अगर हम 2,000 की भी एवरेज लगा के चलते हैं तो इट्स अ गुड अर्निंग पोटेंशियल। देन यू विल लुक इन टू ऑर्डर्स, तो 72, 31, 37, 43, 55, 28, 440, 11, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इट्स अ गुड स्कोप फॉर लॉन्ग टर्म स्कोप एज वेल, ठीक है? सो अब आपने क्या करना है कि आपने सारी स्किल्स को अपने एंड पे पहले देख लेना है, पढ़ लेना है कि कौन सी स्किल इम्पोर्टेंट लग रही है, कौन सी स्किल आपको लग रहा है कि आपके लिए यूजफुल है, ठीक है? जब वो आपको समझ आ जाएगी, देन यू विल पुट देम ऑन अ ग्रिड लाइक दिस, ठीक है? इस तरह का टेबल बनाएंगे, इसका स्क्रीन शॉट मेरे साथ शेयर करेंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट प्लीज में शेयर करेगा, ठीक है? यू विल शेयर द स्क्रीन शॉट ऑफ द टेबल विद मी, ठीक है? अच्छा, मुझे 1 मिनट देगा। स्टूडेंट्स ने पूछा था स्क्रीन शॉट लेने का, तो लेट मी जस्ट सी। एक सेकंड मुझे दे देगा, लेट मी जस्ट सी के वो पेंट वाले में कैसे होता था। किसी को पेंट पे वो करना आता है, स्क्रीनशॉट लेने आता है? आई फॉरगॉट किस तरह लेते थे, आई थिंक। तो मेरा कॉपी हो रहा है, पेस्ट हो रहा है, ये तो कॉपी कैसे होता था? विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन है। अच्छा, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट सी, ताकि मैं सबको बता दूं। विंडो प्लस उससे भी नहीं हो रहा। मैं यूरा, अच्छा चले से यार फिगर दिस आउट कि किस तरह होता है। वैसे आई सजेस्ट कि स्निपिंग टूल ही डाउनलोड कर लें, आराम से मिल जाएगा आपको स्निपिंग टूल, सही? ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो ऑन गूगल, गूगल पे जाके आप लिखें स्निपिंग टूल, आपके पास आ जाएगा स्निपिंग टूल डाउनलोड का ऑप्शन। यहाँ से आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? डाउनलोड कर लें, जिंदगी आपकी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है? मेरे लैपटॉप में डला हुआ आया था, ठीक है? सो आई डोंट नीड टू डाउनलोड इट, बट यू कैन डाउनलोड इट इजिली, ठीक है? अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि आप लोग जब अपना ये सैलर अकाउंट पे स्विच करोगे ना, तो फॉरेन स्विच नहीं होगा। लाइक इफ यू विल सेव ना, तो वो बोलेगा कि गिग के अंदर जो ना सारी चीजें डालें, ठीक है? सो ऑल यू नीड टू डू इज कि सेव करके आपने फिर अपने आप को लॉग आउट कर देना है, एंड देन वेन यू लॉग इन ना, तो आप ऑटोमेटिकली आपके पास आपका सैलर अकाउंट बन गया होगा, सही है? सो दिस इज दी वो वाला अकाउंट जो कि अभी तक मैंने यूज नहीं किया हुआ है, सही है? सो उस पर मैंने उसको भी मैंने सैलर अकाउंट पे शिफ्ट किया है, सो वो इजिली शिफ्ट हो गया, ठीक है जी? अच्छा, उसके अलावा विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन से नहीं हो रहा, आई डोंट नो वाई नहीं हो रहा, बट नहीं हो रहा, ठीक है? सो अगर मैं ये करती हूँ तो क्या होगा? आई वॉन्ट कि मैं सबको गाइड कर सकूँ, नहीं आ रहा। अच्छा, एनीवेज इसको अभी छोड़ दें, स्निपिंग टूल प्लीज डाउनलोड कर लेगा, सही है? सो यू नीड टू शेयर अ स्क्रीनशॉट विद मी, ठीक है? अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे, बिकॉज 7 o'clock देयर इज अनदर क्लास, आई वोंट टेक यू ऑन गिग राइट नाउ, ठीक है? बस अपना ये स्किल का काम प्लीज मेक श्योर करें कि ये काम हो जाए,
ठीक है, अब जो जो क्वेश्चन हैं पूछते हैं। अच्छा, उसके अलावा मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करनी है, जितने भी अभी तक चीजें पढ़ाई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे आज ही पूछते हैं। हम एक दफा गिग शुरू करेंगे, सो आई वुड वांट यू टू फोकस ऑन गिग ओनली, ठीक है? सो प्लीज उससे पहले जितने भी इश्यूज हैं वो क्लियर करवा लें। जी आमना, आपकी बारी है, फिर रजिया एंड देन हिना। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी आमना। मैम, मुझे ये पूछना था कि मैंने अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिख ली थी, और आपने जब लास्ट टाइम मीटिंग में सिखाया था कि उसमें आपने 155 वर्ड्स आई थिंक वो टाइप किए थे प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के लिए, तो मैंने ऑलमोस्ट 200 लिखे थे, जिसमें मैंने अपने सर्टिफिकेट्स भी डिस्क्रिप्शन भी ऐड की थी और कुछ एक्सपीरियंस भी ऐड किया था। लेकिन जब मैंने वहां जाकर पेस्ट किया था लिखा हुआ, तो वो उसमें मुझे सिर्फ 97 करेक्टर्स अलाउड थे। 97 नहीं होते, 600 कैरेक्टर्स होते हैं। जहां पर आपने खोला था ना, जी यहीं पर, यहाँ पर मुझे सिर्फ जी नाइनटी जी सेवन वर्ड्स एक्चुअली अलाउड थे, 97 वर्ड्स। ये आपने कल की क्लास मिस करी है? देखो, नो मैम, मैंने देखी है कल की क्लास आपकी, बिकम अ सेलर वाली मेरी कौन सी क्लास थी? वो आपने जी आपने कल की क्लास में बिकम अ सेलर कराया था, लेकिन यहाँ पर वो तो आपने बिकम अ सेलर वाले अकाउंट में कराया था, लेकिन मैंने यहाँ पर पेस्ट किया था। हाँ, आपने यहाँ पे पेस्ट किया होगा ना, तो आपके पास जितने कैरेक्टर्स है ना उसमें ही आपको डालना होगा, क्योंकि मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जब मैंने अपना कॉपी पेस्ट किया था तो मेरे में भी यही मसला आया था, तो मुझे कैरेक्टर्स कम करने पड़े थे। ठीक है, तो कैरेक्टर्स कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कुछ सेंटेंसेस भी हटाने पड़ेंगे, और अगर आपने पैराग्राफिंग करी हुई या ज्यादा बुलेट पॉइंट्स डाले हुए तो वो निकालने पड़ेंगे। पैराग्राफिंग में बुलेट पॉइंट्स तो नहीं थे मेरे। बुलेट पॉइंट्स नहीं थे तो बस फिर चीजें कम करें, बहुत ज्यादा चीजें नहीं डालें। ठीक है, और जो बिकम सेलर अकाउंट है, तो वहां पर जो हमारी डिस्क्रिप्शन है वो हम यही वाली पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जहां अगर पर अगर आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया है ना, तो यही वाली डिस्क्रिप्शन जब आप बिकम अ सेलर पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो रही होगी, अगर नहीं हो रही होगी तो यहीं से कॉपी पेस्ट कर देगा। लेकिन बिकम अ सेलर वाले में तो 600 वर्ड्स अलाउड है, और यहाँ पर तो सिर्फ वर्ड्स नाइन नहीं है आमना, कैरेक्टर्स हैं। ओके। ठीक है, कैरेक्टर्स और वर्ड्स में फर्क होता है, वो यहाँ पे वर्ड्स लिख रहे हैं, वहां पे वो कैरेक्टर्स के हिसाब से आपको जज करेगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू वेलकम गाइस। कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि आपके स्पेस, फुल स्टॉप, कॉमा, एंटर सब काउंट होता है। ठीक है, अल्फाबेट्स एक एक काउंट होते हैं। जी रसी, आपकी बारी। अच्छा, जो जो चैट पर हैं अभी रुक जाएं, पहले मैं ये वाले हैंड रेज को आंसर कर दूंगी। हमारे पास रजिया है, हिना है, माहम है, अरूब है, मिसबा है, अफशा है, नाहिद है, नूर है। इसके बाद आई वॉन्ट टेक एनी क्वेश्चन ऑन हैंड रेज, फिर मैं चैट पर आ जाऊंगी। ठीक है जी रजिया, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी रजिया। मैं मुझे पूछना था, मैंने फाइबर के अकाउंट बनाया था ना पहले, अभी मैं जो कुल उसको खोलते हैं तो ओपन नहीं होता है। मोबाइल पे कब मैंने बनाया जो था? बनाया है वहां पे आपने जिस रात बताया था ना, हमने पढ़ा था अकाउंट के बारे में, उस रात मैंने बनाया, फिर उसके बाद अभी वो नहीं खुल रहा है। मैं अगर क्या दूसरे मसला आ रहा है? ईमेल आई पता नहीं, एक दफा कह रहे के नाम गलत है, दूसरी दफा कह रहे के पासवर्ड गलत है, इस तरह कह रहे। तो यूजर नेम और पासवर्ड में कुछ इशू आ रहा होगा, पासवर्ड याद नहीं है आपको? तो याद है मैम, पासवर्ड बिल्कुल सामने है, मैं वो लगाती हूँ, फिर कहते हैं कि गलत है अगर यूजर नेम, तो वहां पे आपने कहा अगर पहले हो चुका तो फिर उसमें कोई मतलब एक दो तीन ऐड करे, तो मैंने वो भी किया है, फिर भी मैंने फरियाल मैम से भी बहुत पूछा है आज। मुझे एक बात बताएं, आपका यूजर नेम क्या है? यूजर ने राजिया, मैंने राजिया कुर्बान के नाम से किया, उससे भी नहीं हुआ, फिर फातिमा जफरी किया, उससे भी नहीं हुआ। रजिया, आप मेरी बात समझो, जब आप साइन अप करते हो तो आप सिर्फ एक यूजर नेम जो सेट करते हो ना, वो यूजर नेम आपके पासवर्ड के साथ डलता है। कौन सा वाला सेट किया था? राजिया कुर्बान, आर यू श्योर? यस मिस। अच्छा, अब आप एक काम करो, अपनी जो आपकी जितनी भी डिटेल्स है ना, लॉग इन डिटेल्स, वो सारी चैट पे भेजो, किसी और को नहीं दिखेगी, वो हाँ सिर्फ मुझे ही दिखेगी। मैं अभी लॉग इन करके देखती हूँ, पासवर्ड और अपना यूजर नेम। ठीक है सैयद? मैम, मैं जब भी चैट पे कोई मैसेज करता हूँ तो सेंड ही नहीं होता है, आपने कभी आंसर ही नहीं किया है मुझे। आप किसको सेंड करती हैं? यहाँ पे आप जो हमारी क्लास ना, वहां जी पे चैट जी का ऑप्शन है, मैंने वहां पे मैसेज किया हाँ है, हाँ कभी आपने आंसर किया?
आप होस्ट को मुझे मैसेज करती हैं या आप टू एवरीवन करती हैं, क्या करती हैं मैसेज में? अभी आप आप खुद करें, हाई लिख के भेजें, जल्दी से हाई लिख के भेजें, जल्दी से भेजें, मैं अभी देख के बताती हूँ, सही जल्दी है, जल्दी भेजें, अभी अभी साथ साथ भेजें, ओके म्यूट नहीं करें, जल्दी जल्दी अभी भेजें, पहले लिखें सही है, हाय जल्दी से। भेज दिया रजिया, हाँ देखें आ गया मेरे मैम। पास, आ गया। तो बस अब आप पासवर्ड वगैरह डाल के भेजें जल्दी से इसमें, मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है? अच्छा है ना, आपकी ओके, बारी है। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम जी। मैम मुझे ना स्किल्स वाले ऑप्शन का पूछना था। मैंने कल भी आपसे पूछा था, जहाँ पे हमने प्रोफाइल बनाई है वहाँ हमने एजुकेशन सर्टिफिकेट ये सारी चीजें डाली हैं। वहाँ पे पहले मुझे मेजर का ऑप्शन था, उसको भी कंप्लीट करने में प्रॉब्लम हो रही थी कि कुछ लिखा नहीं जा रहा था, बॉक्स रेड हो रहा था। अब मैं उसमें स्किल्स लिख रही हूँ तो वो भी रेड हो जाता है, कैनवा और एमएस ऑफिस से आगे कुछ भी लिखा ही नहीं जा रहा। जब आप स्किल्स डालती हो तब जी, स्किल वाला जो बॉक्स है ना एजुकेशन और सर्टिफिकेट के ऊपर प्रोफाइल हाँ। में, जी इसके वहां बाद पे आपने और क्या क्या चीजें डालने की कोशिश करी है? मैंने कैनवा और एमएस ऑफिस लिखा। उसके बाद मैंने उसमें ट्यूटरिंग और बाकी बहुत सारी चीजें भी ऐड करनी थी, डेटा एंट्री वगैरह ये सारे काम, लेकिन वहां नहीं लिखा जा रहा कुछ भी मुझसे। अच्छा, लेट मी सी कि क्या हाँ, मसला है, इसी एक जगह पे सेकंड। हाँ स्क्रीन शो हो रही है जहाँ। मैं समझ गई, बट ये मेरी प्रोफाइल दूसरी दिखा रहा है और खुली भी दूसरी है, क्योंकि मैं बहुत दफा इस पे अजीब अजीब किस्म की प्रोफाइल्स खोल चुकी हूँ, तो ये बेचारा कंफ्यूज हो गया है। जस्ट अ सेकंड, बदल गई ना प्रोफाइल, एक सेकंड। अच्छा ये रही स्किल्स, ठीक है, सो यू जी विल गो यहाँ ऐड न्यू, ठीक है। अब आप कौन सी स्किल डाल रही हो, कोई भी नाम कैनवा, बोलो। कैनवा 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 डिजाइन, कैनवा, डिजाइन। ठीक है। एक्सपीरियंस लेवल डाला, इंटरमीडिएट ऐड कर दिया, इतनी है मेरे पास, देख रही हैं आप। अच्छा, ये इंटरमीडिएट ऐड करना है इसमें, आपने एक्सपीरियंस लेवल कोई भी डाल दें, बिगनर डाल दें, मसला नहीं है, सही। अच्छा, ये नहीं डालेंगे तब तक थोड़ी होगा। ये डाल के फिर उसके बाद आगे बिल्कुल, जाएंगे, एंटर दबा देंगी, इंटर तो देखें नीचे कैनवा चला जाएगा। डिजाइन किया, एक्सपीरियंस जी लेवल जी बिगनर किया, ऐड कर दिया, जी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया, जी ठीक है। फिर अगला अगला कौन सा फिर बाकी इसी भी तरह इसी तरह, डलेगा, इसी तरह फिर ऐड न्यू करेंगी, इसी फिर तरह यही सारे करेंगी। हाँ डलेंगे। हाँ बिल्कुल अच्छा, तो यहाँ हम जितने डालना चाहें डल जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और वो इसके बाद जो है, अभी तो मैं यहीं पैट की हूँ, डिस्क्रिप्शन तो खैर मैंने लिख के पोस्ट कर दिए। आपसे मुझे ये कहना था कि मेरी फर्स्ट असाइनमेंट भी पेंडिंग पर ही रही थी, बाकी सारा काम तो लैपटॉप की वजह से मैं कर नहीं सकी थी, और ये ठीक वाला है, वो मैंने देख लेंगे, आज अभी बस आज वाले काम पे फोकस करें, अभी बाकी पीछे की बातें सारी ये भूल जाएं, मैंने ठीक है। सुबह बेस्ट कर दिया, आज सुबह मैंने छह आइडिया, बजे इसको कर दिया है, ठीक लेकिन है अभी भी ठीक है। पेंडिंग ही आ रहा है। वो पेंडिंग इसके लिए रात के 10 बजे जब सबके आ जाएंगे ना, उसके बाद में चेक करना शुरू होते हैं, अच्छा, और जो आज वाली असाइनमेंट है ये मोबाइल पे बन जाएगी? आराम से बन जाएगी, ठीक अच्छा सही है, बस ये कंफर्म करना था। है। ठीक ओके है, ओके जी, अरु बाकी बारी है, फिर मिसबा की बारी है, देन अफशा की बारी है। वालेकुम जी अस्सलाम। मैंने पूछना था कि आज जैसे हम ये कोई भी प्रोफाइल वगैरह जब ओपन करते हैं तो उसके ऊपर मेन के ऊपर उनकी गिग आ रही होती है कि उन्होंने अपनी गिग में क्या लिखा है। ये जो चीज आ रही है साइट पे, जी जी ये बिल्कुल, आपकी गिग्स हैं जी, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एक्टिव गिग्स। ठीक है। तो अब हम जैसे आप उसमें न्यू सेलर पे जाते हैं तो हमने उसमें से न्यू सेलर सिलेक्ट किए थे, लेकिन अभी पीछे याद नहीं कि वो कि कौन से वाले फील्ड में से आ रहा था, कि वो लेवल 2 और लेवल 1 पे भी उनके शो हो रहे थे कि उनकी ये प्राइसेस हैं और उनकी प्राइसेस जब हम चेक कर रहे थे। तो उसमें मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मतलब हमने तो न्यू सेलर अगर चेक करें तो उसमें से वो लेवल 1 और लेवल 2 वाले भी क्यों आ रहे हैं, या हम अगर अब हम फॉर आपको एग्जाम्पल, फिल्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे अब हमें कि अगर जब हम अपनी गिग वगैरह वो जो भी बनाएंगे इसका शो होगी, तो वो ये हम यानी जो हमें हायर बायर हायर करेंगे या वो गिग में, इस तरह मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रही थी। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। मींस देखे ना हम अब फॉर एग्जांपल जैसे अब आगे आप गिग बनाना सिखाएंगी, जैसे लोगों की ये गिग बनी हुई थी प्रोफाइल पे आ रही थी, इस पे जाके अगर हमने जैसे हम उस पे जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो काम ढूंढ रहे हैं या जिनके पास काम है, देखो गिग जो है ना सबके पास जिसपे होगा, ठीक है, ठीक है। एवरीबडी वुड बी एबल टू सी अ गिग, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो, ठीक है, दोनों एक किसी की भी गिग देख सकते हैं। अगर उनको खरीदनी होगी ना गिग, तो वो आपकी गिग के ऊपर बाय नाउ कर देंगे,
ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आई होप वो खुली हुई है, ठीक है, ये वाली है ना, तो इसमें देखें आप सिंपली कंटिन्यू करोगे ना तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अगर उनको को बात करनी होगी तो वो कॉन्टेक्ट सेलर पे करेंगे। ठीक है, यही चीज आप पूछ रही हो? यही मैं पूछना चाह रही थी कि ये मतलब गिग का मतलब ये होता है ना कि हम हमारे से कोई कांटेक्ट करे कि हम किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं। नहीं, गिग का मतलब ये होता है कि हमने गिग बना के रख दी, अब किसी को अगर हमारी चीज समझ आ रही है, ये वाला काम हमसे कराना है, तो वो हमें कांटेक्ट करेगा, खुद ही कांटेक्ट करेगा वो, हमें उसके पीछे नहीं भागना। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमने अगर गिग बनाई है वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन अगर हमें किसी की वो काम है कि हम उसको खुद कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारा नहीं काम है, नहीं नहीं हो नहीं सकता। नहीं होता यहाँ पे, नहीं होता, चलिए ठीक सही है, है, वो अपवर्क पर होता है उस तरह का। सही है, ठीक है, ठीक है, थैंक ओके यू। जी, यू वेलकम। रजिया, आपके पास ईमेल आई होगी, बिकॉज आपका अकाउंट टेम्परेरी डिसेबल हो गया, आपने बहुत दफा शायद ट्राई करी है, इस वजह से आपका अकाउंट डिसेबल हो गया। आप प्लीज अपना ईमेल चेक करें और बताएं क्या आ रहा है ईमेल पे। जी मिसबा, आपकी बारी है। वालेकुम हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सलाम। जी मिसबा, मैम, जो आज आपने असाइनमेंट दी है ना, तो उसकी ना मुझे थोड़ी बहुत समझ नहीं आई। मुझे एक दफा फिर आसान लफ्जों में ही बता दें कि क्या दोबारा मैं है नहीं ये। समझा सकती मिसबा, क्योंकि वो पूरे आप 2 लेक्चर्स मुझे कह रही हो, तो मैं आपको दोबारा समझाऊं? लेक्चर सुनो, आ जाएगा समझ। मैम ये बता दें सिर्फ कि ना जो इसकी जो मतलब आपने बताया है ना कि इतनी मतलब ये पुअर, ये मुझे समझ नहीं आ रही, पुअर और गुड ये क्या चीज है। आपने पूरे लेक्चर्स नहीं सुने? देखो मैम पूरा ही सुना है, मुझे पुअर और गुड की समझ नहीं आ रही कि मिसबा, ये ये आप। आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कोई पैसे जो कमा रहा है, कोई इंसान 2,000 रुपए का वो 1 घंटे में कमा रहा है, आपको कम लग रहे हैं या ज्यादा लग रहे हैं, ये आपके ऊपर है, तो आप उस हिसाब से हाई या लो करोगे, ठीक है। अगर स्कोप आप देखते हो तो किसी के पास, अगर अगर आप देखते हो कि एवरेज 10 से 20 ऑर्डर सबके पास है, तो गुड स्कोप है, ठीक है। फिर अगर आप देख रहे हो कि कॉम्पिटिशन 10,000 से ऊपर है, सो दैट वुड बी अ हाई कॉम्पिटिशन, इस तरह आप सेट करोगे, ओके ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। आपकी बारी है, देन वील गो टू नाही, देन देन नूर, उसके बाद भी किसी ने हाथ उठा लिया है गाइस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अच्छा जल्दी से क्वेश्चन पूछें, ये मुझे माइक्रोसॉफ्ट का पूछना था, क्या पूछना था? ये जो अगर हम उस पर पिक्चर इंसर्ट करते हैं ना, तो उसके अगर पिक्चर के ऊपर वो नहीं आ रहा वाटरमार्क, अगर हम लगाना चाह रहे हैं, हमारे पास एक पिक्चर बनी हुई है, तो हम उसके ऊपर अपनी पिक्चर पे कैसे लगाएंगे वाटरमार्क? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जी वाटरमार्क नहीं लगेगा। आप बस एक काम ये कर सकते हो कि जैसे फर्ज करें कि आपने एक पिक्चर डाल दी है, फर्ज करें ये पिक्चर आपकी है, ठीक है, आप क्या करेंगे कि आप टेक्स्ट रैपिंग पे जाएंगे, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया, सही है, फिर आप जाएंगे इंसर्ट पे, आप डालोगे टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स चूज किया, लेक्चर जवेरिया, ठीक है, इंसर्ट करिए आपने पिक्चर, इस तरह आ सकता है अगर आप चाहो तो, मगर इसका बैकग्राउंड फिर आपको हटाना पड़ेगा, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आई वुड रेकमेंड कि आप जो हो कैनवा पे ही वाटर मार्क लगा दो, ठीक है, तो शेप बिल्कुल आप नो फिल कर दोगे, सही, इस तरह करके, समझ अच्छा आ अच्छा रहा है? लेकिन ये हाँ तो फिर कोई बात है ना, ये बहुत ट्रांसपेरेंट भी काम है, होगा हाँ वो बहुत भी काम हो जाएगा, नहीं, ठीक है फिर कैनवा पे ही, ठीक है कैनवा पे ही बेटर होता है, ठीक है। अगर ठीक आपने है। अपने पूरे पूरे पेजेस पे अगर वाटर मार्क लगाना है तो वो आप उस पे डॉक्यूमेंट्स पे कर लेना। वो तो इस पे आ रहा था, जैसे पेज पे तो डायरेक्ट आ हाँ रहा है, हाँ लेकिन मगर कैनवा पिक्चर पे पे अगर नहीं आ आपको रहा। डालना है तो कैनवा पे करके करो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अच्छा जी, जी नाहिद आपकी बारी है, देन नूर की बारी है, देन उम्मे सलमा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम अस्सलाम मुझे जी वो नाहिद, एक्चुअली बना था कि वो लास्ट मैंने जो आपको पिक्चर सेंड की है उसके बाद से पहले मेरा इशू आता है लैपटॉप में ना, अभी वो शायद वो विंडोज का ना कोई बूस्ट का मसला आ गया, तो मैंने अभी फाइबर में अपना अकाउंट भी नहीं बनाया, 2 दफा उसको चेक कराया, अभी तक वो रिपेयर नहीं हुआ है, वो पता नहीं कोई बात नहीं, उसका फोन पे अमाउंट बना ले, कितना बन जाएगा फोन पे मैम, आप बोले तो बिल्कुल लैपटॉप आपका पे सिर्फ बनेगा। बिकम अ सेलर, सिर्फ जो है ना बिकम अ सेलर वाला पार्ट वो नहीं होगा, वो अभी जी नेसेसरी भी नहीं है, वो गिग में आपको काम आएगा। अभी जितना भी काम समझाया ना, स्किल्स वाला भी, जी डिस्क्रिप्शन जी वाला भी, प्रोफाइल वाला भी, सब फोन पे हो जाएगा, ठीक है, वो लैपटॉप में, वो अच्छा वो फोन में हो जाएगा, सिर्फ सेलर हो वाला जाएगा, उसमें होगा।
हाँ ठीक है सिर्फ सर, मुझे वेरिफिकेशन लैपटॉप के लिए और आपको लैपटॉप मोबाइल की के जरूरत दोनों है। भी सिर्फ यही इशू आ रहा था, क्योंकि लैपटॉप का कुछ इशू आ रहा हाँ है तो मेरे फोन विंडोज का पे थोड़ा कर ले। सा। ठीक है मैम, जजाक अल्लाह। ओके जी, यू वेलकम जी। नूरा आपकी बारी है, देन उम्मे सलमान। क्या क्वेश्चन है नूर? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वालेकुम मुझे अस्सलाम। जो इन्होंने अभी पूछा है कि आपने बता दिया कि फोन पे ही सारा काम हो जाएगा, और इसके अलावा मुझे ये पूछना था, अभी आपने जो स्क्रीन पे खोला हुआ था ना, उस पे लिखा आ रहा था डैशबोर्ड एनालिस्टिक, इसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा मुझे ना प्लीज उसको डिफाइन करेंगे। क्या मतलब, क्या चीज खोली थी मैंने? जैसे अभी आपने जिया लिखा हुआ था, वो पेज आया था ना, वहां पे लिखा हुआ था डैशबोर्ड, डैशबोर्ड आया हुआ था, और एनालिस्टिक्स होता है, इसको थोड़ा सा मुझे डिफाइन ये हाँ, करेंगे आगे मैम, जब अभी किस हम चीज के आएंगे लिए ना क्या तो ये होता है ना। आपको क्लियर होगा। जब मैं अभी आपको गिग्स बताऊंगी ना तो आपका डैशबोर्ड तैयार होगा। एक सेकंड, लेट मी जस्ट शो यू स्टिल, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेट मी जस्ट लॉग है, देखें ये देखिए मैम लिखा हुआ है ना, जैसे ये डैशबोर्ड ये जो चीज है ना, ये मेरी डैशबोर्ड है। ठीक लिखा, है, जी जी जब ये गिग्स बनती है ना जी तो ये यहाँ पे क्या डिस्प्ले मुझे होना शुरू पता होती है। समझ जी। आया? तो आपकी भी जब गिग्स बनेंगी तो आपके पास भी होगा, तो इससे क्या होगा, फिर डायरेक्ट आप अपनी गिग को खोल के डायरेक्ट यहाँ से देख सकोगे। सही है, और ये जो फाइबर का सारा काम इस टाइम जो आपने समझाया वो सब फोन पे हो जाएगा ना इजीली। सब काम हो जाएगा एक्सेप्ट वेरिफिकेशन वाला जो इशू है, बस उसके अलावा सारा काम हो जाएगा। जी थैंक यू मैम। यू वेलकम जी। उम्मे सलमा आपकी बारी है, फिर उसके बाद शाजिया की बारी है। वालेकुम अस्सलाम उम्मे सलमा। एक सेकंड रजिया, आपने नया अकाउंट नहीं बनाना, आप बस देखें जिस ईमेल आईडी से आपने अकाउंट बनाया था उस ईमेल आईडी पे क्या ईमेल आई है। जो ईमेल आई है वो मुझे पता है जी। उम्मे सलमा वालेकुम मैम अस्सलाम वालेकुम, मुझे अस्सलाम जी। मैम मैंने तो सबमिट कर दिया आज असाइनमेंट, लेकिन मुझे ये पूछना था कि मेरा जो डिस्क्रिप्शन दोबारा से एडिट हो सकता है क्या, अब इन बिल्कुल केस हम। बिल्कुल अच्छा, और सेकंड चीज मुझे ये पूछनी थी कि मतलब अब जिस सेलर अकाउंट बनाने की नीड है, मतलब क्योंकि अब वो वापस ऐसे पेज ऑन हो गया था, आप कह रही थी ना कि आपको जरूरत नहीं है दोबारा से, मुझे ये बात समझ नहीं आई थी, क्योंकि जब मैंने सेव कर लिया था ना अपना जो मैंने चेंजिंग, तो फिर वो मतलब मेरे आई मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब वो सेलर अकाउंट मेरा बना है या नहीं, यानी ये पूरा अगर आपके मुझे पास बता। नीचे यहाँ पे बिकम अ सेलर लिखा हुआ आ रहा है ना, इसका मतलब नहीं बना है। अगर आपके पास इस तरह स्विच टू बाइंग स्विच टू सेलिंग लिखा हुआ आ रहा है तो उसका मतलब बन गया। ठीक अच्छा मैं है, देख अगर अभी आपने सब कुछ कर दिया प्रोसेस फिर भी बिकम अ सेलर लिखा हुआ आ रहा है तो लॉग आउट करके लॉग इन करें तो आ जाएगा स्विच टू बाइंग स्विच टू सेलिंग वाला। ठीक है, सही लूंगी। अच्छा, सही है। पूछना था मैम। ओके ओके जी। शाजी आपकी बारी है, फिर सबा की बारी है, फिर उसके बाद में जल्दी से चैट कराती हूँ। जल्दी से क्वेश्चन पूछे सबा जी। शाजिया जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी शाजिया। मैम जी मैम, मैंने ना मेरे पास पहले लैपटॉप नहीं था, तो अभी 2 दिन हुए मेरे पास अरेंज हुआ है, तो मैं वन बाय वन अपनी असाइनमेंट्स पे काम कर रही हूँ। नहीं जैसे शाजिया, वन कल बाय वन मैंने नहीं करें, मेरी बात सुने। आपने अब जो है फाइवर का काम करना है, आज 10 बजे आपने फाइवर का काम सबमिट करना है। ठीक है, पुराने असाइनमेंट सब आपके चेक होंगे ही नहीं वैसे भी। ठीक है, सो अब जो असाइनमेंट्स हैं, जो मैंडेटरी असाइनमेंट्स हैं, उनके ऊपर काम पहले शुरू करें। सो यू नीड टू वर्क ऑन द डिस्क्रिप्शन फर्स्ट, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के लिए यू नहीं डोंट नीड अ लैपटॉप। मैम, मैम स्टेप बाय स्टेप ही मुझे समझ जाएगी ना, तो नहीं पीछे से जैसे लेक्चर तो नहीं मैं सुन क्योंकि ही कैनवा रही थी, लेकिन एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैज नथिंग टू डू विद फाइवर। दीज आर जस्ट स्किल्स दैट यू वुड सेल। वो आप साइड बाय साइड करती रहेगा, वो अब चेक नहीं होंगे आपके। ठीक है, आपका जो चीज चेक होगी और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपकी फाइवर की डिस्क्रिप्शन है, और फिर ये स्किल्स का चार्ट है। ठीक है, सो आज आपने सिर्फ फाइवर का डिस्क्रिप्शन लिखना है, वो वाला काम आप पहले करेंगी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट चलो ठीक ऑफिस एंड है। कैनवा कैन वेट। ठीक है, ओके मैम एक बात और, ये मेरा ना काफी इस साल पुराना जैसे फेसबुक का अकाउंट है, तो वो जैसे दूसरे नाम से मैंने जैसे अपने बच्चों के नाम से बनाया था, तो उसी को दूसरे नाम जैसे मैं अब अपने नाम से बनाना चाहती हूँ, तो वो चेंज हो सकता है अपने नाम से फेसबुक का नेम दोबारा चेंज हो जाता वही है आई थिंक सो। फेसबुक, या मुझे न्यू बना। दूसरा बना लें, क्या मसला है, अच्छा फ्री है तो बना लें। नहीं मैं वो मोबाइल में एक ही जैसे जो यूज होता है ना, दो हो सकते हैं? मोबाइल पे 2 यूज हो सकते हैं, मोबाइल पे 3 यूज हो सकते हैं। ठीक अच्छा चलें ठीक है, थैंक है, यू, बस यही ओके पूछना जी, यू था। वेलकम जी। सब आपकी बारी है, फिर उसके बाद मैं चैट पर आ रही हूँ। जल्दी से सबा क्वेश्चन पूछें, क्या क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी सबा। मुझे आपसे ये बोलना था कि आपने जैसे बताया मेन्यू डिजाइन करना, तो वो ऑब्वियसली हमने कैनवा पे सीखा है, तो क्या सिर्फ कैनवा पे ही काम करके हम मेन्यू डिजाइनिंग का काम कर
कर सकते हैं या इट बिल्कुल प्लीज कर सकते हैं। फोटोशॉप या फोटोशॉप इलस्ट्रेटर वर्ड। आता है तो ऑब्वियसली अच्छी ज्यादा बात है, क्योंकि आपको अगर सोर्स फाइल फॉर एग्जांपल देनी हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपका नॉर्मल आपसे सिर्फ पीडीएफ प्रिंट मांग रहा है आपका क्लाइंट, तो फिर आप कैनवा पर आसानी से बना सकते हो। बहुत लोग कैनवा पर ही बना के देते हैं। चीज और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आपसे, जब आप गिग बनाना सिखाए तो एज अ कंटेंट राइटर और माइक्रोसॉफ्ट एडिटर की जरूर बना के बताइएगा। आई कांट प्रॉमिस, आई विल ट्राई, ठीक है, बिकॉज आई विल क्रिएट 1 gig ओनली, सो दैट डिपेंड्स कि हमारे पास मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स किस चीज के, ठीक है। सो आई विल सी, ठीक है, थैंक यू। ओके, यू वेलकम। अच्छा अब हम आते हैं चैट पे, सही है। असाइनमेंट मोबाइल में बन जाएगी, मैं किसी की कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी कि हमारे पास लैपटॉप नहीं था इसके लिए काम नहीं हुआ, ठीक है। वीडियो बनाने के लिए अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो इनशॉट इज अ गुड सॉफ्टवेयर, इन शॉर्ट, ठीक है। बाकी आप जनरली गूगल भी कर लिया करेंगे कौन से वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, प्ले स्टोर पे जाके वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर लिखा करें तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। टेबल है, आप अपने उस पर बनाएंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट पे बनाएंगे और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे, ठीक है। रितज पुरानी रिकॉर्डिंग देख लो, उसमें आ जाएगा आपको, ठीक है। उसके अलावा स्निपिंग टूल वकास कह रहे हैं पहले से होता है, सर्च बार में मिल जाएगा, अगर आपको यहाँ पे सर्च बार पे ना मिले तो फिर आप डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। अच्छा ये प्रोफेशनल्स जो प्रो लिखा हुआ आ रहा होता है ना, ये आपके पास खुद से नहीं आ रहा होता है, ये आपको फाइवर वेरीफाई करता है। जब आपके कुछ ऑर्डर्स फुलफिल हो जाते हैं और आपको अच्छे रिव्यूज हो रहे थे तो फाइवर आपको खुद चूज करता है फॉर अ फाइवर चॉइस और अ प्रो वेरीफाइड के, ठीक है। इकरा और ऑर्डर्स किस तरह आएंगे, किस तरह होगा, वो दैट्स द नेक्स्ट थिंग, ठीक है। अभी जो पढ़ाया है उसके ऊपर फोकस करेगा, ठीक है। अच्छा रजिया, मैंने आपको ये कहा है कि आपके पास कोई ईमेल आया होगा फाइवर की तरफ से, उसको पढ़ के बताएं उसमें क्या है, ठीक है। असाइनमेंट अभी तक किसी की भी अप्रूव नहीं हुई, रात के 10 बजे का टाइम है, 10 बजे जब सबके असाइनमेंट्स आ जाएंगे तभी अप्रूव होंगे, ठीक है। ठीक है हानिया, अगर आपका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सफारी पे भी चल जाता है, अगर आपके पास डेस्कटॉप साइट सफारी पे खुलती है, फेसबुक कनेक्ट ना भी हो तो भी मसला नहीं है, ठीक है हानिया। हानिया अच्छा हाँ है ना, आप अपने हस्बैंड का नंबर यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। टेबल मैंने बता दिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनेगा। अच्छा आपकी स्टोरी लाइन पे रिपोर्ट इसके लिए आ रहा होगा सायरा, क्योंकि प्रॉबेबली यू आर यूजिंग एन एप्लीकेशन, अगर आप फाइवर की एप्लीकेशन यूज करी हो तो ये इशू आएगा, ठीक है। फेसबुक का अकाउंट भले अलग, दूसरा नहीं, ठीक है। नहीं एक अगर हम वॉटर मार्क डाल देते हैं तो कोई भी यूज नहीं कर सकेगा, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। प्रो वेरीफाइड का मैंने बता दिया, ठीक है। आपने स्विच टू बाइंग किया हुआ होगा, स्विच टू सेलिंग किया हुआ होगा, डजेंट मैटर, आपके अब गिग अगर एक्टिव है तो आपके पास ऑर्डर आता रहेगा, ये जब हम गिग्स पर आएंगे तो आपको समझ आएगा। टेबल मोबाइल में नहीं बनेगा, तो जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है वो नोट्स में बना ले अपने पास, फोन पे जो नोट्स का ऑप्शन होता है, वरना पेपर पे ड्रॉ करके भेज दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। रजिया स्पैम का फोल्डर चेक करें, आपके पास ईमेल आया होगा, ठीक है। यही वाला जो आपने मुझे अपनी आईडी का जो ईमेल आईडी दिया है ना, यही वाली ईमेल आईडी चेक करेगा, ठीक है। अच्छा कौन सा पेज नहीं खुल रहा आजमा आपका? सायरा आप गूगल क्रोम यूज कर रही हो, फिर भी आपके पास यहाँ रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। सायरा आप अपने आप को अनम्यूट करो, जरा हैंड रेस करो, तो मैं आपसे बात करती हूँ, देन आई विल प्रोबेबली बी एबल टू गाइड यू बेटर। और उज्मा आपका भी क्वेश्चन मुझे क्लियर समझ नहीं आ रहा, कौन सा पेज समझ नहीं आ रहा, डेस्कटॉप पे क्या ये चीज आपके पास नहीं दिख रही है? साइडा प्लीज रेज योर हैंड सो आई कैन अनम्यूट यू। जी सायरा क्या क्वेश्चन है उसमें? आप भी ठीक है, आपसे भी बात करती हूँ उसमें। जी सायरा, सायरा म्यूट करें। जी मैम द रिपोर्ट की द स्टोरी लाइन की जगह रिपोर्ट आ रही है, उस पर क्लिक करूं तो? आप फोन पे ब्राउजर यूज करी हो या लैपटॉप यूज करी हो? मैं फोन यूज कर रही हूँ। यहाँ पे रिपोर्ट लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, ये चीज बनी हुई नहीं आ रही है, पेन नहीं बना हुआ आ रहा। नहीं अच्छा तो फिर आप काम करो, स्क्रीनशॉट फरियाल को भेज दो, ठीक है। अच्छा और ये भले नहीं हो रहा सॉर्ट आउट, डिस्क्रिप्शन जरूर लिख लेना, ठीक है।
मैम डिस्क्रिप्शन की जगह कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा। ऐसे कैसे हो सकता है कि क्लिक ना हो रहा हो? मैं तो फोन पे बहुत दफा यूज कर चुकी हूँ, होता है। आप पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग फरियाल को भेजें, ठीक है? और अगर आपका कुछ भी नहीं हो रहा तो आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे डिस्क्रिप्शन लिख के भेजते हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट जरूर भेजना है अपने डिस्क्रिप्शन का, मैं बाद में चेक नहीं करूंगी, ठीक है जी? उजमा आपकी बारी है। क्या हुआ उजमा? वालेकुम मैम, अस्सलाम। जी उजमा क्या मसला आ रहा है? वो जो आपने ये समझाया था ना कि थ्री डॉट्स से डेस्कटॉप खुलता है तो फिर हाँ प्रोफाइल सेटअप होती है, जैसे लिखना पड़ता है, ये चीजें थी ना थोड़ी इंफॉर्मेशन, ये तो बाद में आता है ना प्रोसेस। वो पहले वाला जो आपने बताया था वो नहीं खुल रहा मुझसे, पहले एक बार खुला है लेकिन अब दोबारा मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन से खोलना था इसे। ये आपको रिकॉर्डिंग दिख रही है, पेज पे डली हुई है, ठीक है? ये इस रिकॉर्डिंग में आपको सब मिल जाएगा, ये मैंने ग्रुप पे डाली इसके लिए कि आपको सब समझ आ जाए, ठीक है? तो ये पिंड पोस्ट में आप फीचर पोस्ट में जाके आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, फाइवर डॉट कॉम लिखा है, ये फोन पे ही हो रहा है सब, सही है? ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगी, डेस्कटॉप साइट खोल देंगी, तो आपके पास देखें स्क्रीन इस तरह की हो जाएगी। फिर साइन इन पे जाएंगी, जो भी आपकी अकाउंट डिटेल्स है उसमें आप साइन इन कर देंगी, ये खुल गया आपके पास, ठीक है? प्रोफाइल पे ठीक जाएंगी है जी, और फिर आपके पास एडिट हो जाएगा, ठीक है? ये देखें सब आ गया। और ये सायरा आप भी पूछ रही थी, देखिए मेरे पास भी ये फोन पे यूज हुआ, ये मसला नहीं आ रहा, ठीक है जी? रजिया क्या हुआ मसले का, कोई सोल्यूशन निकला? हेलो मैम, जी रजिया क्या हुआ? मुझे वो ईमेल ही नहीं मिल रहा है। आपने जो ईमेल एड्रेस मुझे बताया उसी ईमेल एड्रेस पे चेक किया है? जी मैम, मैंने उस पे दूसरे ईमेल पे चेक रजिया किया था। kurban6@gmail.com, इसी वाले जीमेल आईडी को खोल रही हैं आप? जी मैम, आपके पास जीमेल आईडी खुल रही है, इनबॉक्स खुल रहा है? खुल रहा है लेकिन एक दफा कह रहे कि यूजर नेम गलत है, फिर दूसरी दफा कह रहे कि नहीं पासवर्ड रजिया प्लीज मेरी बात समझें, आप अपने जीमेल को खोलेंगी, आपका जो जीमेल अकाउंट है ना उसको खोलेंगी, gmail.com पे जाएंगी, वहां पे raziaqurban6@gmail.com जो ईमेल है ना वो खोलेंगी आप, मैम। जहां ईमेल आता है। लैपटॉप में ना दूसरे ईमेल है। ईमेल तो डला हुआ है ना आपके पास, ईमेल तो यूज करना आता है ना आपको, जी तो ईमेल खोलें अपना raziaqurban6 के नाम से जो ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस खोलें, उसमें इनबॉक्स में आपके पास फाइवर का ईमेल आया होगा। सेटिंग में जाओ मैम। अल्लाह, आप लिखेंगी gmail.com, ठीक है? अल्लाह कहाँ पे मैम लिखो? है, gmail.com लिखेंगी, आपके पास यहाँ पे लॉग इन का ऑप्शन आएगा, आपने रजिया कुर्बान जो आपका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ होगा, इस तरह की चीज जो आपके पास खुलेगी उसमें यहाँ पे आपके पास फाइवर का इनबॉक्स आया हुआ होगा, आपको ये यूज करना आता है रजिया? मैंने बहुत दफा किया है लेकिन नहीं हुआ है, पता नहीं। आपके पास ये इस तरह का पेज खुल गया? आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, ये इस तरह खुल गया आपके पास? नहीं, क्या मसला क्या आ रहा है उसमें? रजिया जवाब दें। चलो मैं आपको वीडियो सेंड करूंगी, सही है? गाइज, मैं हमेशा क्लास के शुरू में यही कहती हूँ कि आप लोग प्लीज अपने यूजर नेम्स और अपने पासवर्ड्स अपने पास सही से रखा करें। आप लोगों को अगर बेसिक कंप्यूटर सिखाना मुझे पड़ेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, आप लोगों को आगे की चीजें पढ़ाना। प्लीज ये चीजें आप अपने एंड पे खुद थोड़ा सा कर लें, देखिए हर चीज आपको कोई प्लेट में रख के नहीं देगा, थोड़ी बहुत मेहनत आपने खुद भी करनी है, थोड़ी सी एफर्ट खुद भी डालें। आप लोग पूछते हैं मैम वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर, थोड़ा सा खुद रिसर्च तो करें, हर चीज आपको तैयार क्यों चाहिए, ठीक है? और प्लीज अपने यूजर नेम और पासवर्ड अपने पास संभाल के रखें, मेक श्योर करें कि आप मेरे पास इस इशू को लेकर नहीं आ रहे कि मैम हम यूजर नेम भूल गए या मैम हम पासवर्ड भूल गए, ठीक है? दिस इज द लास्ट वार्निंग फॉर एवरीबडी, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है? अपने असाइनमेंट्स आप लोगों ने सबमिट करने हैं, लैपटॉप नहीं है फोन पे करें, फोन पे अगर आपसे किसी भी वजह से फाइवर नहीं चलता, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग पीछे मैंने आपको दिखा दी है, ग्रुप पे डली हुई है, इसको रेफर करें।
इसके बावजूद भी नहीं होता तो डिस्क्रिप्शन नोट्स पे लिख के मुझे नोट का स्क्रीनशॉट भेजेगा, उसके बाद अगर आपने मुझे अपना असाइनमेंट नहीं सबमिट किया तो दैट इज ऑन यू। उसके बाद आप मुझे नहीं बोलेंगे कि मैम आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करें, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी लेट असाइनमेंट्स। ठीक है, योर डेडलाइन इज 10 PM, अभी भी आपके पास 3 घंटे हैं, दैट इज अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू कम्प्लीट योर असाइनमेंट्स। ठीक है, सो ये वाला जो असाइनमेंट है डिस्क्रिप्शन वाला, ये आपने पहले करके देना है। ठीक है, जो दूसरा असाइनमेंट आज मैंने दिया है वो मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगी, सही है, मेक श्योर वो भी आप लोग अपने टाइम पे कर देगा। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।